सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन और राजनीति के ग्रामीण राजनीति के पुरोधा दो व्यक्ति हमारे आसपास हुए, एक स्वर्गीय नारायण जी कुलरिया और दूसरी शख्सियत सरपंच साहब के पद को सुशोभित करने वाले माननीय श्री रामजीलाल यादव साहब। आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगत सिंह की तर्ज पर जब युवावस्था में किसान आंदोलन चल रहे थे तो ये तीन लोग थे कॉलेज के साथी जो भैरव सिंह सरकार में चलती हुई विधानसभा में किसानों की मांग को लेकर के इन्होंने कंप्लेंट फेंके थे और किसान जिंदाबाद और सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाने का दम हिम्मत कलेजा हर किसी में नहीं रहता है। ऐसे शख्सियत जो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में बैठी है और अचरज कंवर जी जो महिला शक्ति की प्रतिनिधित्व कर रही है, गणमान्य नागरिक तेजपाल जी कुलरिया जो हर किसी कार्यक्रम में आकर के हमारा हौसला अफजाई करते हैं, और भी महानुभाव बैठे हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, सभी को मेरा नमन वंदन। मैं सुरेश शर्मा, और खेल की बात है तो खेल की बात ही है प्यारे बच्चों की। अभी जैसे कि वक्ता बता रहे थे आपको कि जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हारना, यानी हम जब कभी खेलते हैं तो कभी भी हारते नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, खिलाड़ी लोग या कोई भी लोग जो बैठे हैं कंपटीशन में भाग लेने वाले लोग, नेता लोग बैठे हैं चुनावों के अंदर, इनकी चलती रहती है लड़ाई, चलती रहती है एक, तो जब भी हम लड़ते हैं तो हारते कभी नहीं है, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। यहाँ से कुछ बच्चे जीत के जा रहे हैं और कुछ बच्चे सीख के जा रहे हैं। सीख के जाओ कि मुझे सीखना क्या है, मेरे में कमी कहाँ है, क्या कमी रही है। बालिकाओं की संख्या ज्यादा है और बालिकाएं जो है हमारे देश में अग्र पूजनीय रही है। हमारा देश, हमने नारी और पुरुष में कभी समानता नहीं रखी, हम समान है ही नहीं। पुरुष और स्त्री कभी समान हो ही नहीं सकती, समान नहीं है भाई। स्त्री ज्यादा है, बड़ी है, उसका दर्जा ऊंचा है। हमें इस धरती पर लाने वाली एक स्त्री है, एक माँ है। इसीलिए तो तुम्हें माता के पिता, तुम्हें पहले किसका नाम आया, माँ का नाम पहले आता है। माँ को हम पहले पूजते हैं, हम गाय को देवी के रूप में पूजते हैं, हम तुलसी को देवी के रूप में पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं माँ के रूप में पूजा करते हैं, और साथ साथ इस धरती को पुकारते हैं भारत माता की जय। अभी बुलाया लोगों ने भारत माता की जय बुलवाई, क्या आपने कभी सुना है पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, लेकिन हम गर्व से कहते हैं भारत माता, क्योंकि हम मातृशक्ति के पूजक हैं। इसीलिए माँ का नाम पहले आता है, स्त्री का नाम पहले आता है। इसलिए स्त्री हमेशा खड़ी होती है, वो हर काम में सक्षम होती है, उसमें सहन शक्ति ज्यादा होती है। तो जो प्यारी बेटियां बैठी हुई है वो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप सर्वशक्तिमान है। जिस किसी ने शक्ति को पहचाना, उस शक्ति ने रानी लक्ष्मीबाई बनकर के उस समय की सबसे क्रूर प्रजाति के दांत कटे कर दिए। जिस किसी ने शक्ति को पहचाना, वो इंदिरा गांधी बनकर के राजनीति के अखाड़े में अच्छे अच्छों को प्राप्त कर दिया। जिस किसी ने शक्ति को पहचाना, सुनीता विलियम्स कल्पना चावला बनकर के आसमान की ऊंचाइयों को नापा है। आपको भी अपनी शक्ति को पहचानना है, अंतर्निहित जो आप में शक्ति है, वो शक्ति को पहचान कर उन ऊंचाइयों को छूना है कि लोग एक दिन आपके उदाहरण को खुश करें। आप हर किसी बेटियों, बेटी घर का मान होती है, सम्मान होती है। मेरी भी दो बेटियां हैं, खूब तरफ की तरफ होता है बातों को लेकर के, आधुनिकता को लेकर के, छूट को लेकर के, खुल्लापन को लेकर के, खूब सारे तरफ की तरफ होते हैं। कभी वो जीत जाती है, कभी मैं जीत जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक बेटी की कामयाबी 100 लड़कियों की, 100 बेटियों के रास्ते खोलती है। एक बेटी की कामयाबी 100 बेटियों के, 100 लड़कियों के रास्ते खोलती है, लेकिन एक लड़की की मूर्खता, एक लड़की की गलती 1000 लड़कियों के रास्ते बंद करती है। जीवन में तुम 100 लड़कियों के रास्ते खोलो या मत खोलो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 1000 लड़कियों के रास्ते कभी बंद मत कर देना। इतना सा निवेदन है।